Assalamu alaikum and welcome. I am Aisha Naz, digital marketer and online IT trainer. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइमलाइन पे हमने किस तरह से वर्क करना है. टाइमलाइन बेसिकली क्या चीज है. सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिल्मोरा में जब भी आपने वर्किंग करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपकी टाइमलाइन है. सो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है. अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ जाते हैं सो मैं आपको 100% श्योर होके कहती हूँ कि आप फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को 40% कवर कर जाएंगे. टाइमलाइन में सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वीडियो एडिटिंग के दौरान आपने यूज करनी होती हैं. लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो म्यूट हो जाए, आप बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहते हैं, एक ही फुटेज में दो वीडियोज आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी किस्म की कोई भी एडिटिंग प्रोफेशनली तौर पर करना चाह रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें आपकी टाइमलाइन में होती हैं. तो आज हम टाइमलाइन को बड़े डेप्थ में देखने वाले हैं, ठीक है जी. सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो. सो वर्किंग करने के लिए जितनी भी मुझे फुटेज चाहिए हैं वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर ली हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगी मैं, यहाँ पे वीडियो को टाइमलाइन में लेके आऊंगी, ठीक है जी. वीडियो को टाइमलाइन, वीडियो ऑडियो या फिर आपकी इमेज है, लोगो है या कोई भी चीज़ है, उसको आपने एडिट करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आप उसको टाइमलाइन में लेके आए. सो उसको आप डिफरेंट मेथड से लेके आ सकते हैं, बट सबसे ईजी वे ये है कि आप इसको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन में ले आए, लाइक दिस, ठीक है जी. जब मैं इसको टाइमलाइन में लेके आई हूँ तो मेरे पास एक वार्निंग मैसेज अपेयर हो रहा है जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपका जो मीडिया फाइल का साइज है और प्रोजेक्ट साइज है वो फ्रेम के लिहाज से डिफरेंट है. सो आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं. मैं प्रोजेक्ट के लिहाज से चूज कर लेती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको प्ले करके देख लेती हूँ. एक समय की बात है, परियों के देश में एक परी रहती थी जिसका नाम सोन परी था. उसकी दो बेटियां थी, काली परी और गोरी परी. बचपन से ही काली परी गोरी परी से बहुत चलती थी. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है वी योंड के नाम से. वहां पे मैंने आपको डेप्थ में सिखाया है कि आप इस तरह की स्टोरीज, एनिमेटेड स्टोरीज, कार्टूनिक स्टोरीज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ तो उधर से भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं. ओके, सो अब हम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ दोबारा. अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के ऊपर जो मेरा PNG लोगो है वो शो हो. तो मैं लोगो को ड्रैग करके वीडियो के ऊपर ले आती हूँ, ओके, लाइक दिस. और वीडियो के ऊपर जो हमारा लोगो शो हो रहा है उसको हम डबल क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाके आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और आप स्क्रीन के थ्रू यहाँ से भी कर सकते हैं. इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि जहाँ पे भी आपने रखना है आप उसको ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ से आप उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी. अब क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ले आती हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए. अब यहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो चीज आप चाहते हैं कि वो वीडियो के ऊपर नजर आए सो उसको आपने ऊपर ही के लेयर में ऐड करना है. अगर आप में से किसी ने फोटोशॉप यूज किया हो तो उसमें कुछ लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है, एज इट इज लेयर्स यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है जी. सो जिन लोगों ने नहीं यूज किया उनको मैं ब्रीफली बता देना चाहती हूँ कि जो चीज आप चाहते हैं कि वीडियो में ऊपर नजर आए, सबसे ऊपर जो चीज नजर आए वो आपने लेयर में सबसे ऊपर लेके आनी है, ठीक है. लाइक अभी हमारी एक वीडियो है, वीडियो के ऊपर मैंने क्या लगाया है जी, लोगो. अब इस लोगो के ऊपर मैं कोई चीज लेके आना चाह रही हूँ, जैसे कि मैं ये एक वीडियो लेके आना चाह रही हूँ, ठीक है. और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो इसको मैं यहाँ से छोटा कर देती हूँ और इसको मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे नजर आए, ठीक है. ओके, ये एक छोटा सा एक फ्रेम टाइप ही बना हुआ, इसमें मैं फिट कर देती हूँ. सो क्या होगा कि जब मैं इसको प्ले करूंगी तो ये इस वीडियो के ऊपर नजर आ रही होगी. ओके, सो मैं अब इसको प्ले करती हूँ.
आप देख रहे हैं कि नीचे वाली जो वीडियो है वो उधर ही प्ले हो रही है और उसके ऊपर जो वीडियो है वो भी प्ले होती जा रही है। सो कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये है कि जो भी चीज आप चाहते हैं कि आपकी ऊपर नजर आए वो आपने लेयर में ऊपर ही रखनी है, और जो चाहते हैं कि आप उसके नीचे नजर आए वो आपने नीचे ही रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। सो मैं अभी इस सब को डिलीट कर देती हूँ। ओके अभी मैं ये वाली जो वीडियो है इस वीडियो को इंपोर्ट करती हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं इस एरिया को ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको प्ले करती हूँ। ठीक है, ये जो फुटेज है हमारे पास विदाउट वॉइस है, ये भी मैंने करें के सॉफ्टवेयर है एक वीऑन के नाम से, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसी में मैंने क्रिएट किया ये वीडियो भी। ओके सो ये जो हमारा प्ले हिट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, जब भी आपने कोई भी चीज कट करनी है, स्प्लिट करनी है, क्रॉप करनी है, या कोई भी इफेक्ट लगाना है, तो ये प्ले हिट बटन जहां पे भी होगा सारी सारी चेंजिंग जो है वो अप्लाई आपकी वहां पे भी होंगी। सो मेक श्योर कि आप जब भी कोई भी चीज अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी वीडियो के ऊपर, तो आपका जो प्ले हिट बटन है वो सही जगह पे होना चाहिए। ओके सो यहाँ पे जो प्ले हिट बटन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे हमारी वीडियो है और वीडियो के साथ आप देख रहे हैं कुछ आइकन्स हैं, मैं इनको एलैबोरेट कर देती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक और वीडियो लेके इसके ऊपर इंपोर्ट कर दूंगी, मैं फिर इसके ऊपर ही डाल देती हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है और ये वीडियो छोटी है। ठीक है जी, मैं क्या करूँगी कि मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं ऊपर वाली वीडियो को हाइड कर दूँ, ठीक है जी, जो लेयर्स वाली बात मैंने पहले की थी, तो मैंने इसलिए की थी कि अगर आपने फोटोशॉप पे वर्क किया है तो उसमें भी हम इसी तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसको हम हाइड करके अपना रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, तो ये नहीं कि हम उसको दोबारा से डिलीट करेंगे और फिर से सारा प्रोसेस हमें दोबारा करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ के आप एक ही क्लिक से उसको हाइड कर दें लाइक दिस। ठीक है, तो इसका क्या पर्पज है कि आप इसको जब प्रेस करेंगे, ठीक है जी, तो ये आपकी वो स्लाइडर, वो कोई भी आपका वर्क फुटेज है तो उसको हाइड कर देगी। इसके साथ ही एक लॉक का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये लॉक का ऑप्शन क्या करता है कि आपकी लेयर को लॉक कर देता है लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमने ये लेयर जो है वो लॉक कर दिया। अब इस लेयर के ऊपर या फिर ये जो वीडियो है इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं डाल सकते, या फिर कोई भी किसी भी किस्म की चीज है तो उसको हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप सिक्योर करना चाहते हैं अपनी फाइल को किसी भी वे से, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से वन क्लिक में सिक्योर कर सकते हैं। ओके सो आप जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट करते जाएंगे, लाइक इंपोर्ट करने से मुराद ये है कि जितनी भी फाइल्स को आप टाइमलाइन में लेके आते जाएंगे, तो ये आपको यहाँ से पता चलती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि वन है वीडियो, वन वीडियो टू, और अब हम इसको इसके ऊपर कोई भी चीज लेके आएंगे तो वो थ्री नंबर पे आ जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप अपनी वॉइस को चाहते हैं म्यूट करना, तो वो आप ये एक सेक्शन है यहाँ पे आएंगे और इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो वॉइस है या बैकग्राउंड म्यूजिक है वो म्यूट हो जाएगा। आपके कीबोर्ड पे एक स्पेस बार होता है, ठीक है जी, आप उसको प्रेस करेंगे तो सिंपली ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी जो भी आपकी वीडियो है। ठीक है जी, अब प्ले करते हुए या फिर आप वीडियो देखते हुए आपको रियलाइज हुआ है कि आप यहाँ से अपनी जो वीडियो है उसको जूम करके देखना चाहते हैं, सो उसके बड़े सारे तरीके हैं। जैसे मैं इस अपने एरो को यहाँ पे लेके आई हूँ तो मेरे पास एक डबल एरो शो हो रहा है, तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे आपको डिटेल वॉइस ओवर और वीडियो की डिटेल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। वीडियो एडिटिंग के दौरान हम लोग चाह रहे होते हैं किसी पार्ट को कट करना, ठीक है, या स्प्लिट करना जिसको हम बोलते हैं, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं? अपना प्ले हिट बटन वहां पे रखें जहां से आप चाहते हैं कि इसकी कटिंग स्टार्ट हो। ठीक है जी, लाइक मैं यहाँ से चाहती हूँ कि इसकी जो कटिंग है या ये वीडियो स्प्लिट करनी है वो यहाँ से स्टार्ट हो। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्प्लिट के बटन पे जाके इसको क्लिक कर दूंगी। आप स्प्लिट को यहाँ से भी क्लिक करके
यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। ओके सो अब हम इसको एंडिंग पॉइंट देंगे। सो मैं चाह रही हूँ कि ये इतनी जो है वो कट हो जाए, तो अभी मैं इसको इसी के ऊपर यानी कि स्प्लिट बटन जो मेरे पास आ रहा है, एक सीजर का एक आइकन बना हुआ आ रहा है, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगी। अब ये पार्ट जो मैंने दोनों तरफ से कट किया है या स्प्लिट जिसको बोल सकते हैं, सो मैं डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ और जितना पार्ट हमें चाहिए था कि हम डिलीट करें वो पार्ट हमने डिलीट कर दिया है। ओके सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा से स्ट्रेच कर दूंगी और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा मूव करूंगी आगे की तरफ। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा प्ले करती हूँ। ओके सो आपने देखा कि हमारी जो वीडियो के अंदर अनवांटेड पार्ट होता है उसको आप किस तरह से डल कर सकते हो। ओके सो किसी वीडियो को आप डिलीट करना चाह रहे हैं या किसी पार्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं, सो यहाँ से आप आके उसको, जैसे कि मैं ऊपर वाली जो वीडियो ली थी मैंने, उसको मैं अभी डिलीट करना चाह रही हूँ। सो मैं क्या करूँगी कि उसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँगी और सिलेक्शन के बाद मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगी या फिर यहाँ पे आके जो डिलीट का हमें ऑप्शन दिया गया है उसको मैं अवेल कर दूंगी। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ लाइक दिस, तो ये मेरी जो ऊपर वाली वीडियो थी जिसको मैं नहीं अभी रखना चाह रही अपनी टाइमलाइन में, सो वो मैंने डिलीट कर दिया। ओके सो अब यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है आपका प्लेबैक क्वालिटी। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में कि अगर आपका जो कहने की सिस्टम है, लैपटॉप है या फिर पीसी जो भी आप यूज करें, सो उसकी जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, ठीक है, और आप जब भी वीडियो प्ले करते हैं तो आपकी वीडियो ठीक तरह से प्ले नहीं होती है, सो आप क्या करें कि आप इसकी जो क्वालिटी है वो प्लेबैक क्वालिटी वो गिरा दें। ठीक है, उसको गिराने से क्या होगा कि आप जब भी प्रीव्यू देखने के लिए इसको कहें कि प्ले करेंगे तो ये बड़े स्मूथली प्ले होगा। ठीक है, और इससे आप इस ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपका जो प्रीव्यू का वीडियो क्वालिटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत लो पे चला जाएगा, आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत लो हो जाएगी, बट जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे देन आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उस पर कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। ओके सो नेक्स्ट वन इज जूम लेवल। सो जूम लेवल में क्या होता है कि आप अपनी वीडियो का कोई भी पार्ट है जिसको आप जूम करके देखना चाहते हैं देन आप उसको देख सकते हैं, जैसे हम पिक्चर को जूम करके देखते हैं लाइक दिस। ओके नेक्स्ट वन इज स्क्रीनशॉट। तो कोई भी ऐसी लाइक ये एक ऐसा सीन है जिसको मैं चाह रही हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं, सो विद इन अ वन क्लिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करती हूँ और मेरे पास स्क्रीनशॉट ये रहा। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है। उसके बाद है जी वॉल्यूम। ठीक है जी, आप वॉल्यूम को यहाँ से अपने मुताबिक देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं बिल्कुल फुल स्क्रीन पे तो आप इसको क्लिक करें लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका फुल स्क्रीन प्रीव्यू आ जाएगा। ओके मैं इसको दोबारा से रीसेट कर देती हूँ। सो ये है आपका प्रीव्यू रेंडर। तो इसको भी आप इसीलिए यूज़ करते हैं कि आपका जो प्रीव्यू है वो स्मूद हो जाए। अगर आपका जो प्रीव्यू यहाँ पे हम देखते हैं वो ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा है तो आप उसको एक क्लिक में अपना जो प्रीव्यू है उसको स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद है जो मार्कर। अगर आपने किसी जगह पे कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसको आप मार्क कर सकते हैं लाइक एक क्लिक करें और आपकी जो वीडियो है उस पर आप मार्क ये देख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक मार्क आ गया, सो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग की थी या जो भी मैंने जो भी चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपको उसका बड़े अच्छे से पता चल जाएगा क्योंकि आपने उसको मार्क किया होगा। ठीक है, उसके बाद है जी वॉइस ओवर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद है जी फिट। फिट क्या करता है जी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो आपकी टाइम लाइन पे फिट आ जाएगी। ठीक है, सो आप इसको यहाँ से स्ट्रेच करके जूम इन जूम आउट जिसको हम बोल सकते हैं वो करके आप देख सकते हैं कि आप क्या चेंजिंग यूज कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे एक माइनस और प्लस का निशान है। सो माइनस क्या करेगा कि आपका जो वीडियो है टाइमलाइन पे उसको बहुत ही ज्यादा
छोटा कर देगा लाइक दिस, ठीक है, और प्लस जो है वो उसी तरह से इसको ज्यादा कर देगा। आज का लेक्चर आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, और जितनी भी चीजें थी टाइमलाइन के हवाले से वो मैंने सारी आपको ब्रीफ कर दी है। आई होप आज के लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।